So even in next unit, the Mughal School and Deccan School are here. The question related to their origin and development and the main features of Mughal School and Deccan School and appreciation of following six paintings. Four are from Mughal School and two are from Deccan School are coming to your syllabus. The Krishna is lifting Mount Govardhana, painter is Meskin, and the pelican on bird rest by Ustad Mansur, and Kabir and Redas by Ustad Farikullah Khan, and the marriage procession Tarasiko by Haji Madni. These are the painter of these paintings. These four paintings are Mughal School. And now we move to Deccan School. Hazrat Nizamuddin Aulia and Amir Khusro, painter is unknown, and the school is Hyderabad, and Chand Bibi playing Polo Chowkat, artist unknown, and this is from Golconda School. They are coming in your syllabus. So the question is, who is known as the Raphael of East? So Bizat is the right answer of it. And who commits the work of Dastan-e-Amir Hamza? So the period of Humayun. Okay. Mughal art is a combination of Persian and Rajasthani traditional art. तो ये ऑप्शनल में आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा है. तो और अलग अलग ट्रेडिशनल आर्ट के नेम वहाँ पे हो सकते हैं. तो यू हैव टू कीप योर माइंड दैट मुगल आर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन आर्ट एंड राजस्थानी टेक्निक ट्रेडिशनल आर्ट. ओके. हु वॉज द मेन पेंटर ऑफ सेफरिन सेफरिन शाह इस्तमिल कोर्ट. इनकी कोर्ट में कौन था? बिजात इज द राइट आंसर. हु वॉज इज द राइटर ऑफ आइने अकबरी. आइने अकबरी का राइटर कौन थे? द राइट आंसर इज अबुल फजल इज द राइटर ऑफ आइने अकबरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्शियन नेम ऑफ महाभारत. तो द रज़मनामा इज द राइट आंसर ऑफ इट. तो द रज़मनामा इज द राइट आंसर ऑफ इट, द पर्शियन नेम ऑफ महाभारत. विच ऑफ द न्यू रिलीजन स्टार्टेड बाय अकबर. द इज आंसर इज दीन ए इलाही. इन विच ऑफ द ईयर हुमायूं डाइड? 1555 में ही वॉज डाइड. वट इज़ द अदर नेम ऑफ अनवरे सुहेली? तो पंचतंत्र जो है उसको अनवरे सुहेली क्योंकि ट्रांसलेट हुए थे उर्दू में, तो उसका नेम इज़ अनवरे सुहेली. हाउ मेनी इवेंट पेंटेड इन आइने अकबरी? आइने अकबरी में कितने इवेंट्स हैं? 1400. शाहजहां वॉज द लवर ऑफ दिस टाइप ऑफ आर्ट. शाहजहां को कौन सी आर्ट पसंद थी? आर्किटेक्चर, मोस्टली आर्किटेक्चर में. तभी ताजमहल और जितने उनका मोस्टली जो इंटरेस्ट था वो आर्किटेक्चर में था. पेंटिंग और डांसिंग और स्कल्पचर्स में ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. विच ऑफ द मुगल एम्परर वॉज बिटर एनिमी ऑफ पेंटिंग एंड म्यूजिक? कौन सा जो एम्परर था जो नहीं पसंद करता था आर्ट को, पेंटिंग और म्यूजिक को, वह था द राइट आंसर इज औरंगजेब. दैट्स वाई द आर्टिस्ट आर माइग्रेटेड फ्रॉम मुगल कोर्ट एंड दे आर मूव टू दे पहाड़ राजस्थानी समवा मूव टू राजस्थान दे पहाड़ी पहाड़ी स्कूल. तो उसके बाद ही ये जो अदर आर्टिस्ट राइट थी वो डेवलप हुई थी. विच ऑफ द टाइम पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्ट? तो राइट आंसर इज अकबर. अकबर के टाइम पर फ्लरिश हुई थी आर्ट. मोस्टली 100 आर्टिस्ट उनके कोर्ट में थे जो आर्ट वर्क करते थे, तो वो काफ़ी पसंद करते थे. और मोस्टली उन्होंने जो थे अधिकतर जो हमारी पौराणिक है, हिंदू मैथोलॉजी है और बहुत सी चीज़ें जो कहानियाँ हैं पंचतंत्र की, उनसे रिलेटेड उन्होंने आर्ट वर्क किया था. हु वॉज अ बर्ड पेंटर इन मुगल कोर्ट ऑफ आर्टिस्ट? उस्ताद मसूर जो थे वो मोस्टली बर्ड्स की पेंटिंग बनाते थे. ठीक है. और ये आपके जो मुगल कोर्ट में जो आर्टिस्ट थे मोस्टली जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी वो बर्ड की ही बनाई थी. जो एक पेंटिंग है आपके सिलेबस में, फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट इज मेड बाय उस्ताद मसूर. ओके. हु वॉज द एनिमल एंड पोर्ट्रेट पेंटर ऑफ जहांगीर टाइम्स पीरियड? तो अबुल हसन था पेंटर ऑफ जहांगीर जहांगीर टाइम में जो पेंटर था जो मोस्टली एनिमल और पोर्ट्रेट बनाता था, अबुल हसन. इन विच ऑफ द स्कूल आर्ट वी कैन सी पेंटेड बॉर्डर डेकोरेटेड विथ अरेबिक स्क्रिप्ट? तो मुगल आर्ट में जो उन्होंने अरेबिक स्क्रिप्ट जो लिखी हुई थी तो मुगल आर्ट स्कूल ऑफ आर्ट में बने थे पेंटेड डेकोरेटेड बॉर्डर्स. राइट डाउन द नेम ऑफ शाहजहां कमीशन मॉन्यूमेंट. शाहजहां ने जो कमीशन मॉन्यूमेंट जो बनाए थे, एक तो ताजमहल से प्यार दिया, द रेड फोर्ट ऑफ आगरा ऑल्सो. तो ये ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में ही हो सकते हैं. तो यू कीप इन योर माइंड. विच ऑफ द टाइम पीरियड इज नोन एज अ पीक पीरियड ऑफ मुगल आर्ट? मुगल आर्ट के पीक जो था गोल्डन पीरियड टाइम में जो था वो था अकबर के टाइम में. ओके. द पीक पीरियड ऑफ जहांगीर. ओके.
नेम द सिंबॉलिक पेंटर्स ऑफ जहांगीर टाइम्स पीरियड. बिचित्रा इज द सिंबॉलिक पेंटर ऑफ जहांगीर टाइम. हु कमीशन द मैनुस्क्रिप्ट ऑफ किस्सा, किस्सा है अमीर हमजा, किस्सा किस्सा है अमीर हमजा जो था किसके टाइम बना था, अकबर के टाइम में कमीशन जो उन्होंने बनवाया था उस टाइम पे, अकबर के टाइम पे बना था. इन हुज टाइम पीरियड मैक्सिमम पोर्ट्रेट वेयर डन इन मुगल स्कूल, मुगल स्कूल के टाइम में मैक्सिमम कब बने थे, तो जहांगीर के टाइम पे जो मोस्टली पोर्ट्रेट बने हुए थे. फ्रॉम वेयर द थीम ऑफ पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धन इज टेकन. जो पेंटिंग्स हैं कृष्णा लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धन, तो वो जो बनी हुई है, तो पेंटर जो है उसके मिस्किन है, और कहाँ से ली गई है, भगवत पुराण से. ठीक है, सो द अनदर क्वेश्चन इज विच रूपा ऑफ कृष्णा सोन इन पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, कौन सा उनका रूप दिखाया गया. तो द आंसर इज विराट रूप, मैंने बिगर देन अदर फिगर, जो अदर जो उनके बैकग्राउंड में फिगर्स हैं वो उन कंपेरिजन टू वो छोटे हैं. ठीक है, तो विराट रूप इज द राइट आंसर. हाउ मेनी सीन कंबाइंड इन बर्थ ऑफ सलीम, जो बर्थ ऑफ सलीम जो पेंटिंग है उसमें कितने सीन हैं. थ्री सीन्स आर देयर. ओके, वट इज द मीनिंग ऑफ बहार ए उत्तम रिटर्न इन पेंटिंग फैलकन ऑन बर्ड रेस्ट. जो पेंटिंग है फैलकन ऑफ बर्ड रेस्ट है जो बनी हुई है, उसमें कुछ रिटर्न जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, बाहरी फैलकन उत्तम एक्सीलेंट. तो दो वर्ड वहाँ पे लिखे हुए हैं, बाहरी यानी द नेम ऑफ फैलकन एंड उत्तम द एक्सीलेंट. ठीक है, तो आर्टिस्ट ऑफ दिस पेंटिंग इज उस्ताद मसूर. ओके, विच ऑफ द टाइटल ऑफ गिवन द उस्ताद मसूर बाय जहांगीर. नादिर उल असर, जो उस्ताद मसूर जिन्होंने पेंटिंग्स जो मोस्टली जो बर्ड्स की पेंटिंग बनाते थे, नादिर उल असर इनको जो नेम दिया था जहांगीर ने. ठीक है, नेम द सन ऑफ शाहजहां हु रिस्पेक्ट ऑल रीजन इक्वली. शाहजहां के कौन से जो बेटा था जो सबको रिस्पेक्ट देता था, वो थे दारसिको. ठीक है, औरंगजेब का तो पता है, उनको भी खूब पसंद थी. अकबर के टाइम पर फ्लरिश हुई थी, स्टार्टिंग से चली थी, तो गोल्डन पीरियड था, नन ऑफ दीज मैनी. तो राइट आंसर ही दारसिको है. दारसिको गॉट मैरिड टू हुम इन 1633, किससे उनकी शादी हुई थी. तो राइट आंसर ही नाइदरा बेगम. ओके, वॉट इज द मीनिंग ऑफ पीताम्बर. पीताम्बर इज अ डीप येलो, मोस्टली दिस वर्ड इज यूजिंग फॉर लॉर्ड कृष्णा इन पेंटिंग्स. ओके, सो नाउ वी मूव टू द एमसीक्यू रिलेटेड टू देक्कन स्कूल ऑफ आर्ट. वॉट इज द अदर नेम ऑफ देक्कन स्कूल ऑफ आर्ट. द राइट आंसर इज देक्कनी स्कूल ऑफ आर्ट, देखनी. तो डोंट बी कन्फ्यूज इन देक्कनी, देखनी. ओके, वट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन देक्कन, देक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मुगल स्कूल ऑफ आर्ट. दे आर इन्फ्लुएंस बाय मुगल स्कूल ऑफ आर्ट. द मैनुस्क्रिप्ट तारीफ इन हुसैन सेती इज प्रेजेंटेड इन भरत इतिहास समस्त्र मंडला पूना, ये वहाँ रखा गया है. ठीक है, अहमदनगर, अहमदनगर पेंटिंग्स आर कंटेन इन ए वॉल्यूम ऑफ पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ हुसैन निजाम शाह वन. तो इसमें वन टू ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको डोंट बी कन्फ्यूज. ओके, आपको वन पे ही राइट आंसर देना है. तो अहमदनगर पेंटिंग्स आर कंटेन इन वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स रिटन इन प्रेज ऑफ हुसैन निजाम शाह, उनके प्रेज में वो लिखी हुई है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्ट्रेट ऑफ कैन बी सीन इन पेंटिंग ऑफ अहमदनगर स्कूल ऑफ आर्ट, किनके पोर्ट्रेट उसमें देखे जा सकते हैं. द राइट आंसर इज बुरहान निजाम शाह सेकेंड एंड मलिक अकबर, इनके पोर्ट्रेट उसमें जो अहमदनगर की पेंटिंग्स है उसमें, इसको अहमदनगर स्कूल ऑफ आर्ट में देखे जा सकते हैं. हु पेट्रोनाइज बीजापुर स्कूल, अली आदिल शाह के टाइम पीरियड उन्होंने पेट्रोनाइज किया था बीजापुर स्कूल को. ठीक है, वेयर द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नाजुमुल उलम इज प्रिजर्व्ड. तो राइट आंसर इज चेस्टर ब्यूटी लिटरेसी डलबिन, आयरलैंड में ये रखी हुई. ठीक है, हाउ मेनी मिनीचर नाजुमुल उलम इज प्रेजेंटेड. तो 876 मिनीचर पेंटिंग्स आर देयर. तो ये नाजुमुल उलम जो है मिनीचर पेंटिंग्स उसमें कितनी रखी गई हैं, उसमें 876 जो मिनीचर पेंटिंग्स है वो सीरीज में बनी हुई हैं उसमें. द अदर क्वेश्चन इज बस वट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस कैन बी सीन ऑन इलस्ट्रेशन थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी पेंटिंग. प्रोस्पेरिटी पेंटिंग इसमें क्या इन्फ्लुएंस इलस्ट्रेशन दिखाया, तो ये है लिपाक्षी म्यूरल पेंटिंग्स. तो इसमें जो इन्फ्लुएंस है लिपाक्षी म्यूरल पेंटिंग्स का इन्फ्लुएंस है द थ्रोन ऑफ
प्रॉस्पेरिटी पेंटिंग्स में, इन हुज टाइम पीरियड द गोरकुंडा स्कूल ऑफ एस्टेब्लिश, किसके टाइम पे हुआ था, मोहम्मद कुली कुली कुतुब शाह 1582-1611, जो इनका टाइम पीरियड था उसमें ये फ्लरिश हुई थी आपके गोरकुंडा स्कूल ऑफ, जो इस्टेब्लिश हुआ था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के। ठीक है, द अदर क्वेश्चन इज लेडी विथ माइना बर्ड्स पेंटिंग बिलोंग टू विच ऑफ द सब स्कूल ऑफ डेक्कन स्कूल, गोरकुंडा स्कूल से ये रिलेटेड थी, बिलोंग करती है। ठीक है, अदर क्वेश्चन इज विच डायनेस्टी हैज स्टार्टेड द पेंटिंग इन हैदराबाद स्कूल, तो राइट आंसर इज अफजी डायनेस्टी। तो इसमें ऑप्शन और भी हो सकते हैं एग्जाम में, इन हुज रिसाइन आर्टिस्ट ज्वाइन डेक्कन स्कूल केम फ्रॉम मुगल स्कूल, द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के टाइम पे वो मुगल स्कूल से उन्होंने ज्वाइन किया था डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट बिकॉज ऑफ औरंगजेब, बिकॉज ही डिडंट लाइक आर्ट एंड म्यूजिक, दैट्स व्हाई दे आर्टिस्ट आर मूव फ्रॉम दैट एरिया। ओके, द अनदर क्वेश्चन इज कोरोनेशन ऑफ राम इलस्ट्रेशन वुड पैनल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द सब स्कूल, तो तंजोर स्कूल ऑफ आर्ट का ही एग्जाम्पल था, राइट आंसर इज तंजोर स्कूल ऑफ आर्ट। रागनी पत हमसिका इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द टेक्स्ट, तो राइट आंसर इज अनवरे सुनेहली से ये लिया गया है। हु वॉज द चांद बीबी, चांद बीबी कौन थी, सिस्टर ऑफ निज़ाम वन ऑफ अहमदनगर, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और जिन दे वन पेंटिंग इज ऑल्सो कमिंग इन योर सिलेबस दैट चांद बीबी प्लेइंग पोलो चौकट एंड दिस फ्रॉम गोरकुंडा स्कूल, वी डोंट नो अबाउट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट वो अननोन। सो हुआ चांद बीबी सिस्टर ऑफ निज़ाम वन अहमदनगर। ओके, चौखनबाजी इज रिटन ऑन पेंटिंग चांद बीबी प्लेइंग पोलो इज विच ऑफ द लैंग्वेज, जो पेंटिंग है उसमें चौखटबाजी लिखा हुआ है तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, द लैंग्वेज इज पर्शियन। द अदर क्वेश्चन इज व्हाट द अनदर नेम ऑफ अहमदनगर स्कूल ऑफ आर्ट, द आंसर इज बीजापुर स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अहमदनगर स्कूल ऑफ आर्ट। ओके, नेम एनी टू ऑफ द वर्क इलस्ट्रेटेड एट द टाइम ऑफ कुली इंतब शाह, कुली इंतब शाह के टाइम में कौन से जो वर्क इलस्ट्रेटेड हुए थे, तो आंसर इज अनवरे सुहेली एंड यूसुफ जो लेखा, तो ये दो वर्क उनके टाइम में पीरियड में हुए थे। फ्यू मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी ऑल्सो हैविंग, वॉट इज द मिनिएचर पेंटिंग, तो स्मॉल साइज पेंटिंग्स आर कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग्स, वेन द मिनिएचर पेंटिंग्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कब इंट्रोड्यूस हुई थी, द राइट आंसर इज 10th century AD, दे इंट्रोड्यूस इन 10th century AD, ऑन विच सर्फेस बुद्धिस्ट मैनुस्क्रिप्ट हैव मेड, कौन सी सर्फेस में बने थे, तो मोस्टली दे आर यूजिंग पाम लीव्स फॉर देयर मैनुस्क्रिप्ट, जो बुद्ध मैनुस्क्रिप्ट बनी हुई थी पाम लीव्स में बनी थी यूजेस। ओके, द अदर क्वेश्चन इज विच बुद्धिस्ट मैनुस्क्रिप्ट इज पेंटेड ऑन लीव्स ऑफ पाम ट्री, कौन सी बनी हुई थी, तो ये बनी हुई थी प्रज्ञा परमिता, जो प्रज्ञा परमिता इज द राइट आंसर हो, ये बनी थी पाम ट्री में, और इसमें जो 15 ये मैनुस्क्रिप्ट बनी हुई हैं बुद्ध की, किसमें प्रज्ञा परमिता, द राइट आंसर। एट द क्वेश्चन इज रिलेटेड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, वी हैव सीन इन द मिनिएचर पेंटिंग व्हाट, इनफ डिटेल बिकॉज द डिटेल वर्क इन गिवन देयर शॉर्ट डिटेल, ओके द राइट आंसर इज इनफ डिटेल। व्हाट इज कल्पसूत्र, कल्पसूत्र इज द बायोग्राफी ऑफ जैर तीर्थंकर, जो जैनिज्म के जो तीर्थंकर थे उनसे रिलेटेड जो उनकी बायोग्राफी है वो कल्पसूत्र में लिखी गई है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ जैन स्टाइल, जैन स्टाइल का जो अनदर नेम है वो अभ्रंश स्टाइल है। ठीक है, इन द पाल स्टाइल ऑफ मैनुस्क्रिप्ट मेन रिलेटेड टू, जो पाल स्टाइल ऑफ मैनुस्क्रिप्ट है वो रिलेटेड किससे है, बुद्धा से, लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है। ठीक है, अदर क्वेश्चन इज जैन स्टाइल बिलोंग टू गुजरात, जो जैन स्टाइल में आर्टवर्क जो हुआ है बिलोंग टू गुजरात, अ वेरी ओल्ड बुक और डॉक्यूमेंट दैट वॉज रिटन बाय हैंड इज कॉल्ड मैनुस्क्रिप्ट, जो भी ओल्ड बुक जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो रिटन बाय हैंड होते हैं उनको कहा जाता है मैनुस्क्रिप्ट। ओके, सो द अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम विच भरत मीट रामायण एट चित्रकूट, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, कहाँ से लिया गया है, तो इट इज टेकन फ्रॉम रामायण, द राइट आंसर इज। ओके, विच पेंटिंग इज पेंटेड बाय शहाबुद्दीन इन मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट, आई टोल्ड यू बिफोर दैट, राइट आंसर इज मारू रागनी। हाउ मैनी प्रिंसेस वेयर सोन इन पेंटिंग चौकट प्लेयर्स, कितनी प्रिंसेस उसमें चौकट प्लेयर्स जो पेंटिंग है सो हो रही है, 6, द राइट आंसर इज। इन राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग विच पेंटिंग्स हैज टू पैनल्स, कौन सी पेंटिंग्स है जिसमें दो पैनल है, कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग इट्स हैविंग टू पैनल्स। द अदर क्वेश्चन इज रसिक प्रिया इज अ पोएट्री बुक,
दैट वॉज रिटन बाय केशव दास. द राइट आंसर इज, रसिकप्रिया जो है बुक जो लिखी हुई है केशव दास ने. फेलिकन ऑन बर्ड रेस्ट इज द चार्मिंग पेंटिंग, इट वॉज प्रिंटेड इन द बुक जहांगीरनामा. ओके एंड अनदर, द पेंटिंग भरत मीट रामा एट चित्रकूटा वॉज पेंटेड बाय गुमान. ओके अनवरे सुहेली वॉज एंड यूसुफ जुलेखा आर द लीजेंड ऑफ पीरियड ऑफ कुली कुतुब शाह. उनके टाइम पीरियड की फेमस लीजेंड थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द स्पेशलिटी स्टाइल ऑफ डेक्कन स्कूल. कौन सा नहीं है? द रिदमिक डेलिकेसी ऑफ पर्सिया इन्फ्लुएंस थी, थ्री एस्पेक्ट ऑफ यूरोपियन आर्ट थी इन्फ्लुएंस, द लेस सेंसिटिविटी इन डेक्कन स्टाइल ऑफ इफेक्टेड विद अजंता. इससे भी कुल इन्फ्लुएंस. द राइट आंसर इज स्टाइल इफेक्टेड विद अजंता आर्ट. कृष्णा लिप्टिक माउंट गोवर्धना इज द क्रिएशन ऑफ मिस्किन. द आर्टिस्ट इज मिस्किन. हु वेयर द टू मास्टर आर्टिस्ट फ्रॉम इरानियन अकबर कोर्ट. कौन से थे जो आर्टिस्ट थे? वो थे मीर सईद अली एंड अबू समद, द आर्टिस्ट ऑफ इन अकबर कोर्ट. इन विच स्टाइल चाँद बीबी पेंटिंग प्लेइंग पोलो इज वॉज पेंटेड इन गोलकुंडा, गोलकुंडा स्कूल. ओके विच स्टाइल फ्लरिस्ट इन गोलकुंडा, डेक्कन स्टाइल. गोलकुंडा में जो स्टाइल डेवलप हुआ था, डेक्कन स्टाइल डेवलप हुआ था. विच पेंटिंग इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजनल मुगल स्टाइल. कौन सी पेंटिंग्स में जो मुगल स्टाइल को यूनिक करता है? तो मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिकोह में शो होता है. सिक्स हॉर्सेस आर शोन इन द पेंटिंग, चौखट प्ले दे आर प्लेइंग, तो इसमें शो होता है. हु वॉज यूसुफ अदिल शाह, द किंग ऑफ बीजापुर. द राइट आंसर इज द किंग ऑफ बीजापुर. द अदर क्वेश्चन, विच आर्ट ऑफ इस्लामिक पेंटर वॉज कन्फाइंड टू टेक्स इल्यूमिनेशन, द मुगल आर्ट. द राइट आंसर इज, विच वन नॉट नोन एज सब स्कूल ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स. बसोली है पहाड़ी, कुलेर है, कांगड़ा है. द राइट आंसर इज किशनगढ़. द फेलिकन ऑन बर्ड रेस्ट आर चार्मिंग बिलोंग्स टू विच पीरियड? इट बिलोंग टू जहांगीर. जहांगीर के टाइम पे मोस्टली पोर्ट्रेट और बर्ड्स ज़्यादा बनी हुई हैं. ही इज़ नॉट ए पेंटर ऑफ मुगल स्कूल. नूरुद्दीन मिस्किन रामदास इफ्तामुद्दीन दे आर द पेंटर ऑफ मुगल स्कूल. नूरुद्दीन द राइट आंसर ऑफ इट, बिकॉज नूरुद्दीन इज द आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान स्कूल. और कौन सी पेंटिंग बनाई हुई थी? कृष्णा ऑन स्विंग द पेंटिंग्स द स्कूल ऑफ दैट सब स्कूल इज बीकानेर. विच वन इज नॉट नोन एज सब स्कूल ऑफ डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, दे आर द औरंगाबाद. द राइट आंसर इज औरंगाबाद. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मुगल एम्परर बैन ऑल फॉर्म ऑफ आर्ट इन हिज कोर्ट. कौन से किसने बैन किया था? द राइट आंसर इज औरंगजेब, बिकॉज डिडंट लाइक आर्ट एंड म्यूजिक. दैट्स वाई द आर्टिस्ट आर मूव फ्रॉम मुगल कोर्ट टू, इफ यू आर मूविंग टू राजस्थान पहाड़ी, दे आर लिविंग देयर, अदर आर्ट देयर आफ्टर. दैट्स वाई दीज अदर आर्ट्स आर इन्फ्लुएंस बाई मुगल आर्ट. विच सब्जेक्ट इज पेंटेड द मोस्ट इन जहांगीर रिसाइन? द ह्यूमन एंड नेचर. जहांगीर के टाइम में ह्यूमन और नेचर, नेचर में जो बर्ड्स वो आ जाएंगे वो भी आ जाएगा सर. विच सब्जेक्ट वॉज पेंटेड द मोस्ट इन बसोली स्टाइल? कौन सा बना हुआ है? तो गीत गोविंद से रिलेटेड है, रामायण भी है, नायिका भेद भी उसमें रिलेटेड है. ठीक है, ऑल ऑफ दीज द राइट आंसर इज इन पहाड़ी स्कूल. विच सब स्कूल फीचर्स आर फिश एंड लोटस शेप्ड आई राउंड चिन? बसोली में कौन सी बसोली की स्टाइल है जिसमें फिश एंड लोटस शेप आईज जो बनाते हैं? ठीक है, जो कृष्णा विथ गोपी जो पेंटिंग्स हुई है, जो पेंटर इज मनकू, दिस ऑल्सो फ्रॉम बसोली स्कूल. तो उसमें आईज जो है उन्होंने फिश और लोटस शेप्ड आईज इन्होंने बनाई हुई एंड राउंड चिन्स दे आर डिपेक्टिंग इन देयर आर्ट वर्क. हियर वी आर हैंग सम एज द फॉलोइंग्स, राजा पनीठनी इज बाय निहाल चंद, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारासिको बाय प्रोविजनल ऑफ मुगल स्टाइल, क्यों मुगल से रिलेटेड है. बारामासा 12 मंथ ऑफ एयर जो पेंटिंग की शो होती है, तो उसमें अलग अलग जो है उनको एयरली जो स्टोरी उसमें डिपेक्टेड होती है. चौकट प्लेयर्स रेड बॉल्स, दैट चौकट प्लेयर दैट पेंटिंग सो लिस्ट ऑफ दिस पेंटिंग्स ऑफ राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, मुगल स्कूल एंड डेक्कन स्कूल, यू जस्ट कीप इन माइंड देयर टाइटल, देयर पेंटर एंड देयर सब स्कूल.
तो फर्स्ट वन इज मारू रागनी, द पेंटर इज सहबुद्दीन फ्रॉम मेवाड़ स्कूल, राजा रणदास सिंह हारा, पेंटर इज उत्कल राम फ्रॉम बूंदी स्कूल, चौकट प्लेयर्स, पेंटर इज दाना दिस फ्रॉम जोधपुर स्कूल, कृष्णा ऑन स्विंग, पेंटर इज नूरुद्दीन फ्रॉम बीकानेर स्कूल, राधा बनी ठनी, आर्टिस्ट इज निहाल चंद दिस फ्रॉम किशनगढ़ स्कूल, भरत मिट रामा एच चित्रकूट, आर्टिस्ट इज गुमान एज फ्रॉम जयपुर स्कूल, ठीक है, दिस दीज आर फ्रॉम रायसन स्कूल, अनदर वन इज पहाड़ी स्कूल, कृष्णा विथ गोपीज, पेंटर इज मनकू दिस फ्रॉम बसोली स्कूल, नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किस्मन गोइंग टू वृंदावना, द आर्टिस्ट इज नैनसू एंड दिस फ्रॉम कांगड़ा स्कूल, एंड द मुगल स्कूल पेंटिंग इज कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना, पेंटर इज मिस्किन, द सेकेंड वन द बर्थ ऑफ सलीम, पेंटर इज रामदास, दिस टाइम इट इज नॉट इन योर सिलेबस, ओके, सो यू कीप दिस वन, द फेलिकन ऑन ए बर्ड रेस्ट, आर्टिस्ट इज उसान मंसूर, कबीर एंड रैदास, द आर्टिस्ट इज उस्ताद फरीकुल्ला खान, ओके, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिखो, तो हाजी मदनी द आर्टिस्ट ऑफ इट, नाउ वी मूव टू डेक्कन स्कूल, ओके, टू पेंटिंग्स आर कमिंग इन योर एग्जाम दिस वन, ओके, हजरा निजामुद्दीन ओलिया एंड अमीर खुसरो, आर्टिस्ट अनोन दिस हैदराबाद, चांद बीबी प्लेइंग पोलो इज चौखट प्लेयर्स चौखन इज कॉल गोरकुंडा स्कूल, ओके, वन पेंटिंग ऑल्सो हेयर रागनी पथ हमसिका, आर्टिस्ट अनोन दिस फ्रॉम अहमदनगर, ओके, सो जस्ट यू कीप दिस पेंटिंग्स इन योर माइंड, देयर सब स्कूल देयर आर्टिस्ट नेम, ओके, सो फोर यूनिट्स यू फोर स्कूल्स यू आर हैविंग दिस टाइम, यू आर राजस्थानी पहाड़ी मुगल एंड दिखन स्कूल ऑफ मिनेचर पेंटिंग।